बच्चों क्या वॉइस आ रही है आप तक? बच्चों क्या आप सही मुझे सुन पा रहे हैं? जल्दी से कंफर्म करते हैं कि क्या आप सही बच्चों तक मेरी वॉइस क्लियर पहुंच रही है। पूनम कुशवाहा जी गुड इवनिंग है आपको, और ऋषि कुमार जी गुड इवनिंग है भाई, ठीक है, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। सविता देवी जी गुड इवनिंग है आपको भी। अनूप यादव जी ओके भाई सर, वेकेंट क्लासेस कब होंगी, कब से स्टार्ट होंगी? पंकज पाल गुड इवनिंग सर, आज 12 बजे क्लास क्यों नहीं लिए कि आपने? भाई 12 बजे से क्लासेस लेने नहीं थी क्योंकि राजा सर क्लास लेने आए हुए थे, इसलिए क्लास 12 बजे वाली नहीं ली थी। प्रजापति बैलेन जी गुड इवनिंग है भाई, राम राम भाई, राम राम। कृष्णा महाकाल गुड इवनिंग है भाई। शालिनी यादव जी गुड इवनिंग। भैया जल्दी से एक बार सभी बच्चे वीडियो को शेयर जरूर कर दें, सभी बच्चे जल्दी से एक बार इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दें और हम लोग फिर क्लास स्टार्ट कर देते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर पहले से, लेकिन हम लोगों ने कल 75 तक क्वेश्चन किए थे तो 76 नंबर से आज की क्लास स्टार्ट होगी, 76वें नंबर से। सर ये बुक बास्केटबॉल में मिल जाएगी क्या? बुक स्टॉल बिल्कुल मिल जाएगी पंकज यादव जी, और बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये बुक हम आपको पीडीएफ के रूप में भी दे देंगे, क्यों परेशान है? और जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस जो पीडीएफ के रूप में आपको लोगों को दिए जा रहे हैं ये बुक के ही क्वेश्चंस है, ये नहीं कि कहीं बाहर से क्वेश्चंस हम आपको दे रहे, बुक के ही क्वेश्चन है और एक तरफ से दे रहे हैं, इसलिए बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी पंकज जी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप लगातार क्लासेस से जुड़े रहिए और पीडीएफ आपको रेगुलर मिलते जाएंगे, और जैसे क्लासेस इस बुक की खत्म हो जाएंगी हम आपको बुक का पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे लास्ट में। गरिमा मौर्य जी गुड इवनिंग है, करण मिश्रा जी गुड इवनिंग है, पंकज पाल कल से होगी, अमित सिंह गुड इवनिंग है, भूपेंद्र सिंह जी गुड इवनिंग है। तो बच्चा क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि अभी हम आपको बता देते हैं शुरुआत में, क्योंकि कल हम लोग टाइप सेकंड में एंट्री किए थे और टाइप सेकंड में स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे थे, तो बच्चा स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस एग्जाम्स में महत्वपूर्ण हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस बच्चे हम लोग कर नहीं पाते, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा स्पेलिंग में या इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हर बच्चे को होती है, इसलिए अगर इंग्लिश में क्वेश्चंस आ जाता है जिसका कोई शाब्दिक अर्थ होता है शब्दों का, वहां पर कंफ्यूजन होती है, इसलिए जो टाइप सेकंड इस समय चल रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है इस समय आप लोगों के लिए, इसलिए जितने भी वर्ड हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं उन वर्डों पर आप विशेष तौर से ध्यान दीजिए, और उन वर्डों का अगर आपको शाब्दिक अर्थ नहीं पता है बच्चों तो आप उन शब्दों का शाब्दिक अर्थ अपने पास नोट जरूर कर लीजिए। क्या होगा क्या बच्चों, उससे हो सकता है एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाओ, पेपर देने जाओ, तो यही क्वेश्चन मिल जाए और यही शाब्दिक अर्थ मिल जाए तो आपको कितना फायदा होगा आप समझ सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस जहां आपसे छूटने वाले थे उन क्वेश्चंस को अगर आप करके चले जाओगे तो कितना फायदा होगा आप कुछ समझ सकते हो। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रखते हैं आपके स्क्रीन पर। बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है इस समय, आप देख सकते हो। रवि कुमार गुप्ता जी ओके, नरेंद्र कुमार जी देखो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस समय आप देख रहे हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 76 है, जैसा कि हमने कहा था कि 75 नंबर तक कल हम लोगों ने कर लिया था, और ये 76वां नंबर क्वेश्चन इस समय आपके स्क्रीन पर जिसमें लिखा हुआ है EAT8 और इसके लिए आपको यहाँ पर दिया गया है ATE और बच्चा यहाँ पर आपको दिया गया है BUY, और हम लोगों से क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा जा रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा। चलो भाई सर मैथ कहाँ से पढ़े? अनूप यादव जी बिल्कुल परेशान ना हो, मैथ की भी क्लासेस यहीं पर स्टार्ट होने वाली और इसी बुक के साथ, यूथ पब्लिकेशन बुक की जो मैथ की बुक आती है उसका भी पूर्ण सोल्यूशन आपको बहुत ही जल्द 2 या 3 दिन में, या हो सकता है शायद कल से ही रात के 10 बजे से आपको मिलने वाला है, यूथ पब्लिकेशन बुक का पूरा फुल सोल्यूशन लाइव क्लासेस में आपको 10 बजे से मिलने वाला है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं आप सभी लोगों के लिए। देखो बच्चों ने आंसर्स दिया है BOUGHT, बहुत सुंदर बच्चों, आपको हम थम्स अप देते हैं कि आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर पकड़ लिया, बहुत अच्छा लगा हमें देख करके। देखो जो बच्चा नहीं कर पाया वो देखे, ईट का जो सेकेंड फॉर्म होता है
जो सेकेंड फॉर्म होता है बच्चा इंग्लिश में, आपको पता होगा आप लोग जब सेंटेंस पढ़ते थे, टेंस पढ़ते थे, तो वहां पर हर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती थी। तो ये जो लिखा हुआ है एट, ये ईट की सेकेंड फॉर्म होती है। तो बी यू वाई का, इसका अगर हम लोग सेकेंड फॉर्म बच्चा देखेंगे तो वो होगा बी ओ यू जी एच टी, बॉट। तो यहां पर सही आंसर बच्चों ने दिया है, उनके आंसर को देख करके दिल खुश हो गया है कि आप लोगों ने पहले क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। बहुत सुंदर बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 77 लिखा हुआ है, आर ए सी ई रेस। रेस के लिए अगर ट्रेक शब्द का यूज होता है तो बॉक्सिंग शब्द के लिए किसका यूज होगा? चलो मेरे बच्चों इसका भी आप आंसर दे दो तो मजा आ जाए भाई, इसका भी अगर आप आंसर दे दो बच्चों तो मजा आ जाए। जो आप यहां पर पहले क्वेश्चन में आप अपनी काबिलियत दिखा चुके हो, तो कहीं इस क्वेश्चन में भी आप वही काबिलियत अगर दिखा दो तो बच्चों मजा आ जाएगा भाई। सर पहले वाला आंसर रवि कुमार गुप्ता का था, बिल्कुल रवि कुमार गुप्ता जी। गुड इवनिंग सोनम कुशवाहा जी, करण मिश्रा जी सी आंसर दे रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, रिंग कह रहे हैं। देखो कल इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लोगों के सामने आया था, शायद आप याद करोगे कल ऐसा ही एक क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने कल भी किया था, ऐसा ही सेम क्वेश्चन कल हम लोगों ने किया था। देखो बच्चों हमने आपको कल बताया था कि बॉक्सिंग कहां पर होती है, जैसे कि कल वहां बैडमिंटन शब्द का यूज आया था, तो कुछ लोगों ने बैडमिंटन के लिए बताया था स्टेडियम, हमने कहा था बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, सी ओ यू आर टी कोर्ट में, कोर्ट शब्द का यूज होता है बैडमिंटन के लिए। तो जैसे रेस ट्रैक, रेस जो है वो ट्रैक पर दौड़ी जाती है, तो बॉक्सिंग जो है वो रिंग में खेला जाता है। तो मेरे बच्चों ने सी आंसर दिया है, करण मिश्रा जी, मनीष कुमार जी, पंकज पाल, दीपेंद्र तिवारी, शालिनी यादव, प्रियांशी साहू, नरेंद्र कुमार, अनूप यादव, सोनम कुशवाहा, अरविंद कुमार। सर मैथ कहां से पढ़े? बिल्कुल बताया अनूप यादव जी, अभी हमने बताया है मैथ कहां से पढ़े, परेशान मत होइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रगत सिंह भदौरिया जी गुड इवनिंग है। क्वेश्चन नंबर अगला, माउंटेन शब्द के लिए क्लाउड शब्द का यूज होता है, तो डिजर्ट के लिए क्या होगा? भाई माउंटेन का मतलब आपको पता होगा पर्वत होता है, क्लाउड्स मतलब चढ़ना होता है, डिजर्ट मतलब रेगिस्तान होता है। डिजर्ट मतलब क्या? रेगिस्तान। क्लाउड्स मतलब चढ़ना, तो माउंटेन में, माउंटेन शब्द से रिलेटेड क्लाउड्स है, मतलब चढ़ना जो है वो माउंटेन से संबंधित है, तो रेगिस्तान से संबंधित शब्द कौन सा है इसमें? 78 नंबर बच्चा क्वेश्चन। प्रिया सोनी जी गुड इवनिंग है। कृष्णा महाकाल जी ने सी आंसर दिया है पिछले क्वेश्चन का, तो भाई इस क्वेश्चन के लिए बच्चों आंसर दे सकते हो, बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी आंसर्स बच्चे दे रहे हैं। प्रदीप कुमार जी भी सी दे रहे हैं और नरेंद्र कुमार जी भी सी दे रहे हैं, ऋषि कुमार ए दे रहे हैं, पंकज पाल ए दे रहे हैं, प्रियांशी साहू जी ए आंसर दे रही हैं इस क्वेश्चन के लिए जो कि 78 है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों इस समय चल रहे हैं, नीरज कुमार जी भी ए दे रहे हैं, प्रदीप कुमार ए दे रहे हैं, प्रदीप कुमार बी दे रहे हैं, वंदना मिश्रा ए दे रहे हैं, गरिमा मौर्या ए दे रहे हैं, संतोष मिश्रा ए दे रहे हैं, प्रदीप कुमार बी, और देखो सर ए रवि कुमार गुप्ता, करण मिश्रा डी दे रहे हैं। देखो बच्चों यहां पर माउंटेन शब्द हमने कहा कहा माउंटेन में क्लाउड, माउंटेन पर्वत और चढ़ना एक दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार से डिजर्ट शब्द से सैंड, एस ए एन डी जो लिखा हुआ है, जिनको सैंड शब्द का अर्थ नहीं पता है वो नोट कर सकते हैं, सैंड शब्द का मतलब होता है रेत। क्या होता है? रेत। अगर देखो ये हिंदी में लिखा होता है ना तो आप तुरंत इसको सही कर ले जाते, तो यहां पर रेगिस्तान से संबंधित रेत है ना, रेगिस्तान से संबंधित डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान, और रेगिस्तान से संबंधित क्या है? रेत है। तो वहां पर हम लोग एस ए एन डी सैंड पर टिक मारेंगे, रेत पर टिक मारेंगे, क्योंकि माउंटेन क्लाउड से संबंधित है तो डिजर्ट एस ए एन डी सैंड से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस का शब्द का अर्थ है हिट, मिस का हिट से वही संबंध है जो एल ए टी ई का संबंध किससे होगा? लेट का। मिस का हिट से है वही संबंध जो लेट का होगा। चलो भाई 79 बच्चा क्वेश्चन नंबर 79 है, इस पर आप सभी बच्चे फोकस करें जो इस समय आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 79 इस यूथ पब्लिकेशन बुक की क्लास नंबर तीसरे का मैथ बाय राजा सर विधि अकेडमी, बिल्कुल। चलिए भाई हमने आपसे कहा है कि बहुत ही जल्द हमारे ही चैनल पर मैथ की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें यूथ पब्लिकेशन की यही बुक
जो इस समय हम पढ़ा रहे हैं, इसी की मैथ की भी बुक आती है, उस बुक को शुरू से एक तरफ से लेकर के सारे क्वेश्चंस उसके आपको एक एक करके पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि रीजनिंग में पढ़ाए जा रहे हैं। और उस क्लास की टाइमिंग जो होगी वो रात के 10 बजे से होगी, 10 बजे से वो क्लास की टाइमिंग होगी। और ये क्लास बहुत ही जल्द एक या दो दिन में स्टार्ट हो जाएगी, बच्चों परेशान मत हो, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन के लिए बी आंसर दे रहा है, देखो बच्चा बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। देखो MISS मिस का मतलब होता है किसी चीज को मिस करना, मिस नहीं करते हैं मतलब किसी चीज को खो देना या भूल जाना, ऐसा भी कह सकते हैं कि हम जैसे किसी टारगेट पर कोई चीज मारते हैं तो हम कहते हैं जब नहीं लगता तो कहते हैं मिस हो गया, है ना, और अगर लग जाता है तो क्या कहते हैं हिट हो गया। तो मिस और हिट जो है वो एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विलोम है। उसी प्रकार से लेट शब्द का विलोम जो होगा वो अर्ली होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ने बी आंसर दिया इस क्वेश्चन के लिए, जो कि सही आंसर है मेरे बच्चों, बी इसका सही आंसर निकल करके आएगा बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, 80वां क्वेश्चन आपके सामने है। जिस प्रकार से लॉयन शब्द के लिए PRIDE प्राइड शब्द का यूज हो रहा है, तो वुल्फ शब्द के लिए किसका यूज होगा? चलिए बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए बच्चों, जो इस समय आप देख रहे हैं, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या होगा। प्रदीप कुमार जी बी आंसर दे रहे हैं भाई इस क्वेश्चन के लिए, चलिए भाई जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए बच्चों आंसर दीजिए। LIOL लॉयन शब्द के लिए प्राइड शब्द का यूज हो रहा है, तो वुल्फ शब्द के लिए क्या होगा? देखिए LIOL इस क्वेश्चन को लिख देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में बन चुका है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। वुल्फ WOLF वुल्फ शब्द के लिए हमें बताना है क्या होगा। तो चलो भाई जल्दी से मेरे बच्चों आंसर दे दो और वीडियो को शेयर जरूर कर दो, वीडियो को शेयर जरूर कर दो जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है। देखो यहाँ प्रदीप कुमार बी दे रहे हैं, संतोष मिश्रा जी बी दे रहे हैं, रितनेश कुमार जी बी दे रहे हैं, नरेंद्र कुमार, प्रगत सिंह भदौरिया, अमन गुप्ता, प्रियांशी साहू, पंकज पाल, दीक्षा पांडे, प्रदीप कुमार, ये बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, HERD कह रहे हैं। देखो भाई ध्यान से एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लो, कहीं पर भी किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आप सभी लोगों से। क्वेश्चन को देख लो, प्राइड मतलब क्या होता है, आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, हम सभी के कमेंट्स देख रहे हैं और एक एक करके बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए आंसर दे सकते हो, बता सकते हो कि बच्चा इस क्वेश्चन का सही। देखो हम इस क्वेश्चन के लिए अगर आंसर बताएं, सर SSC GD के लिए क्लास, भैया सब में यही क्वेश्चन आते हैं, SSC GD में कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं आते। देखो लॉयन के झुंड को, लॉयन के झुंड को, शेर के झुंड को प्राइड कहते हैं, PRID का मतलब होता है शेर के झुंड, शेर के, शेरों के झुंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। जिनको नहीं पता है वो नोट डाउन कर लें, नोट कर लें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आप सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड हो, किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड हो। ध्यान रखो कि लॉयन के शेरों के झुंड को प्राइड कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राइड कहते हैं। उसी प्रकार से वुल्फ, वुल्फ को हम लोग हिंदी में भेड़िया कहते हैं, क्या कहते हैं, भेड़िया, भेड़िया कहते हैं, और भेड़िए के झुंड को हम लोग पैक कहते हैं, PAC, पैक मतलब होता है भेड़ियों के झुंड, क्या कहते हैं, भेड़ियों के झुंड। जिन बच्चों को चीजें नहीं पता है, हमने पहले भी कहा था कि उनको अपने पास जरूर नोट कर ले, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस इस समय चल रहे हैं बच्चों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये अभी आपको नहीं लगेगा, लेकिन जब एग्जाम देने जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि सर ने जो कहा था वो सही कहा था और हमें सर की बात को मानना चाहिए था। तो देखो लॉयन के झुंड को हम लोग प्राइड कहते हैं और भेड़िए के झुंड को हम लोग पैक कहते हैं, इस बात का विशेष तौर से आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला है HONOUR हॉनर शब्द के नोबिलिटी शब्द का यूज किया जा रहा है, तो ह्यूमिलिटी के लिए, ह्यूमिलिएट के लिए कौन से शब्द का यूज होगा?
देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन इस समय आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हम लोगों के सामने ये आएगी एग्जाम में, क्योंकि हम लोगों के इस क्वेश्चन का शाब्दिक अर्थ नहीं पता होगा, और शाब्दिक अर्थ ना पता होने के कारण ये क्वेश्चन बच्चों हम लोगों को एग्जाम में छोड़ना पड़ जाएगा, जो इस समय आप यहां पर देख रहे हैं। देखो एच ओ हॉनर शब्द जो लिखा हुआ है, HONUR, इसको तो आपको पता होगा, इसका मतलब होता है सम्मान। क्या होता है? सम्मान, ऑनर है ना, इसका मतलब होता है सम्मान। और फिर दिया गया है नोबिलिटी, NOBILITY, नोबिलिटी शब्द का मतलब होता है कुलीनता। क्या होता है? कुलीनता। देखो दिखते जाइएगा, अगर शब्द नहीं पता है, नोबिलिटी मतलब होता है कुलीनता, और सम्मान और कुलीनता जो है वो एक दूसरे का विपरीत है। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। सम्मान और कुलीनता जो है वो एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया है इस समय, जैसा कि आप देख सकते हो, सी आंसर्स बच्चे दे रहे हैं और बहुत सही आंसर दे रहे हैं। भाई देखो यहां पर ह्यूमिनिटी, HUMANILITY, ह्यूमिलिटी का दिया गया है। इसके लिए देखो, ये शब्द का जो मतलब होता है वो होता है अवमानना। क्या होता है? अवमानना, इस शब्द का अर्थ है अवमानना। और अवमानता के लिए यहां पर जो शब्द यूज किया जाएगा वो डिसग्रेस। डिसग्रेस मतलब होता है कलंक। क्या होता है? कलंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो बनेगा वो सी होगा, और ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है? विपरीत ही है। तो देखो यहां पर ये क्वेश्चन जस्ट, यार हम ब्लॉक कर दिए हैं क्या किसी ने? नहीं भैया अमित सिंह जी, कहां ब्लॉक हैं आप, बिल्कुल सामने हैं आप। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 81 है, समय 81 में अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के सामने यही होगी, जितने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं केवल उतने ही क्वेश्चंस पर आपको फोकस करना है, उतने ही क्वेश्चंस की स्पेलिंगों पर फोकस करना है, और इतनी स्पेलिंगों पर अगर आप फोकस कर लोगे तो बच्चे आप कहाँ होंगे एग्जाम में आपको भी नहीं पता। चलिए 82 की तरफ बढ़ते हैं, 82वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82वां। WRIST, विस्ट, रिस्ट को शोल्डर कहा जा रहा है, तो एंकल को के लिए कौन से शब्द का यूज होगा? अब देखो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ये मान लीजिए कि आप बहुत पीछे हो, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे को आना चाहिए, और हम हर बच्चे के आंसर्स पर इस समय फोकस कर रहे हैं, सामने मोबाइल रखे हुए हैं जिससे कि हम आपके कमेंट्स को पढ़ पाए कि इसके लिए आप क्या आंसर दोगे। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, करण मिश्रा कह रहे हैं ए, नरेंद्र कुमार सी दे रहे हैं भाई इस क्वेश्चन के लिए। देखो तो हमने क्या कहा है कि इस क्वेश्चन के कमेंट्स हम हर बच्चे के पढ़ने वाले, क्योंकि तो हमको पता है कि इसका आंसर आपको आना चाहिए। नरेंद्र कुमार जी ने अपने आंसर को चेंज किया, वो ए में आ गए। अमित सिंह जी बी कह रहे हैं, अनूप यादव नहीं, यहां पर अनूप यादव नहीं, अमित, चलो भाई जल्दी जल्दी सभी बच्चों के हम आंसर्स देख रहे हैं। ऋषि कुमार जी भैया बी आंसर दे रहे हैं। देखो तो अभी तक जितने बच्चों के आंसर्स हमें प्राप्त हुए हैं उनमें से चार या पांच ही बच्चों के आंसर्स मिले हैं, इसका मतलब बच्चा आंसर देने में इस बार डर रहा है। रिंकू बी दे रहे हैं, रत्नेश कुमार जी ए दे रहे हैं भाई इस क्वेश्चन के लिए आंसर। मोहिनी साहू जी ने बी आंसर दिया है इस क्वेश्चन के लिए। देखो भाई इन बच्चों के आंसर्स देख करके हमें ये लग रहा है कि वो बहुत पीछे हैं अभी अंग्रेजी शब्दों के अर्थों को लेकर के। अंशुल बाबा भी बी दे रहे। देखो रिस्ट मतलब कलाई, और कलाई जो है वो हमारे कंधे से, शोल्डर से जुड़ी हुई है। रिस्ट मतलब क्या होती? कलाई होती है, आपको पता होगा रिस्ट मीन्स क्या होता है? कलाई। और ये कलाई कहां से जुड़ी होती है? शोल्डर से जुड़ी होती है। एंकल जो होता है उसको हम लोग घुटना भी कह सकते हैं, जोड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, पैर के जोड़ को। और ये हमारे हिप से जुड़ा होता है, जांग से जुड़ा होता है हिप, जिसको हम लोग कहते हैं HIP, हिप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बच्चा जो बनेगा वो हिप बनेगा, नी नहीं बनेगा। नी नहीं है भाई, नी मतलब तो ये होता है हमारा, ये कोहनी जिसको हम कहते हैं, और कोहनी और एंकल अलग है। एंकल घुटने को कहते हैं, घुटना जो हमारा होता है ना उसको एंकल कहा जाता है। तो एंकल जो है वो हमारे हिप से जुड़ा हुआ है,
इसलिए बच्चा इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन बनेगा, रिस्ट, हिप, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि नी नहीं होगा, हिप इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ लेते हैं। पे का रिसीव, देखो पे आप लोग करते हो मोबाइल फोन में, फोन पे यूज करते होंगे, गूगल पे यूज करते होंगे, तो पे शब्द का मतलब होता है भुगतान करना और रिसीव शब्द का मतलब होता है प्राप्त करना। तो भुगतान करना और प्राप्त करना ये एक दूसरे के विपरीत हो। वॉश मतलब होता है साफ करना। वॉश मतलब क्या होता है, अगर अभी जब बोला जाता है हम लोगों से कि भैया हम लोग अपने हाथों को वॉश करें जिससे कि हमारे जो हाथों में किसी प्रकार का बैक्टीरिया ना हो या कोई वायरस ना हो, तो वॉश शब्द का यूज इस समय प्रेजेंट टाइम में बहुत यूज हो रहा है। तो डब्ल्यू ए एस एच मतलब क्या होता है, सफाई। वॉश मतलब क्या होता है, सफाई। और ये वॉश शब्द के लिए हम किस शब्द का यूज करेंगे, ड्रेंच, सॉल, नीट या क्लीन। चलो बताओ भाई, एस ओ आई एल, सॉल। अब देखो पे और रिसीव जो है वो एक दूसरे के विपरीत थे, विपरीत थे, तो वॉश का विपरीत क्या होगा, वॉश मतलब सफाई का विपरीत तो गंदा होगा। अब गंदा या मैला का, मैला किस शब्द का, देखो क्लीन का तो होगा नहीं, नीट का तो होगा नहीं, ड्रेंच मख जो है उसका मतलब भी साफ ही होता है, साफ करना, ड्रेंच को भी हम लोग साफ करना ही कहते हैं। तो एस ओ आई एल, सॉल जो लिखा हुआ है, एस ओ आई एल जो इसमें बच्चा लिखा हुआ है, ये एस ओ आई एल, ये एस ओ आई एल का मतलब होता है मैला। देखो मैला, ये जो नहीं पता इसका अर्थ तो आप नोट जरूर कर लीजिएगा, एस ओ आई एल का मतलब मैला। देखो नीट मतलब साफ, क्लीन मतलब साफ, और ड्रेंच जो है वो नीट और क्लीन का पर्याय है, उसका साइनोनिम्स है। लेकिन एस ओ आई एन, सोल जो है उसका मतलब होता है गंदा, मैला। और देखो पे और रिसीव एक दूसरे का विपरीत था, हमने बताया कि पे मतलब भुगतान करना और रिसीव मतलब प्राप्त करना, तो भुगतान करना और प्राप्त करना तो विपरीत हुआ, तो वास का विपरीत क्या होगा, एस ओ आई एल, सोल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ, 84वें क्वेश्चन की तरफ। पी आर ओ एस ई प्रोज का पोएट्री है, तो कन्वर्जेशन का शब्द के लिए कौन से शब्द का यूज किया जाएगा। देखो भाई प्रोज और पोएट्री, देखो प्रोज मतलब क्या होता है, आप लोग जब क्लास टेंथ में पढ़ते होंगे तो वहां पर आपको पोएट्री पढ़ाई गई होगी, प्रोज पढ़ाया गया होगा। देखो प्रोज को हम लोग हिंदी भाषा में गद्य कहते हैं, क्या कहते हैं, गद्य। पी आर ओ एस ई जो लिखा हुआ है, इस प्रोज को हम लोग कहते हैं बच्चा गद्य, हिंदी में कहते हैं गद्य। और जो ये पोएट्री लिखा है, पोएट्री को हम लोग बच्चा इंग्लिश हिंदी में कहते हैं पद्य, क्या कहते हैं, पद्य। हिंदी में प्रोज, प्रोज को गद्य कहते हैं और पोएट्री को पद्य कहते हैं। अब कन्वर्जेशन का मतलब होता है, कन्वर्जेशन जो शब्द यहां पर यूज किया जा रहा है, कन्वर्जेशन शब्द का मतलब होता है बातचीत करना, क्या होता है, बातचीत करना। कन्वर्जेशन हम नहीं कहते कि आपस में कन्वर्जेशन सही होगा, अगर हम लोगों की बातचीत सही होगी तो हम लोग अच्छे से रह सकते हैं। कन्वर्जेशन का मतलब होता है एक दूसरे को समझना या एक दूसरे को समझाना, किसके माध्यम से, बातों के माध्यम से, बात करके। तो कन्वर्जेशन मतलब बातचीत करना, तो कन्वर्जेशन के लिए बातचीत करना हुआ। तो ये देखो ये गद, गद में भी बातचीत की जाती है और कन्वर्जेशन में भी बातचीत। अब पद पोएट्री में क्या होती है, पोयम होती है, तो कन्वर्जेशन के लिए जो शब्द यूज होगा वो क्या यूज होगा, पोयम शब्द का यूज होगा। किसका यूज होगा, पोयम शब्द का। हम यहां पर पोयम की जगह पर सॉन्ग भी लगा सकते हैं, देखो सॉन्ग भी लगाया जा सकता है, ज्यादा सही सॉन्ग होगा गाना, ज्यादा सही क्या होगा, गाना। उसी वे पर अगर देखा जाए तो सॉन्ग ज्यादा सही होगा, क्योंकि तो गद्य और पद्य जैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, वैसे ही बातचीत करना और गाना भी एक दूसरे से क्या होगा, संबंधित तो होगा। तो यहां पर आप सॉन्ग पे टिक करोगे तो ज्यादा सही होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी, समझ रहे हैं। तो इन शब्दों का अर्थ, प्रोज, पोएट्री, कन्वर्जेशन का मतलब पता होना चाहिए और इसके बारे में आपको पता जरूर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 के बाद 85वें नंबर की तरफ बढ़ लेते हैं। पिटी, पीई डबल टी वाई, पिटी का सीरियस, तो वाई ई डबल एल के लिए क्या होगा, वाई ई डबल एल के लिए क्या होगा, चलिए बताइए भाई इस क्वेश्चन के लिए।
आंसर देखो, ये जो क्वेश्चन इस समय देख रहे हो, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर बहुत टफ बता रहे, टफ नहीं है, है आसान, लेकिन क्या है कि हम लोगों को शब्दों का अर्थ नहीं पता है, इसलिए हम इन क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। लेकिन आप लोग छोड़िएगा मत। देखो बहुत बच्चा जुड़ रहा है, छोड़ रहा है क्लास को, उसका कारण यही है कि उनको ये लग रहा होगा कि अरे सर इंग्लिश पढ़ा रहे क्या मतलब है, लेकिन उनको एग्जाम में समझ में आएगा तब पता चलेगा। चलो देखो, पिटी, PETY, पिटी। पिटी शब्द के लिए हम लोगों ने यहाँ पर SERIOUS, सीरियस शब्द यहाँ पर दिया गया, तो YEL, YEL के लिए पूछा जा रहा है क्या होगा। देखो पिटी शब्द का मतलब होता है नागर्ण्य, इसका मतलब होता है नागर्ण्य, याद रखिएगा जिनको नहीं पता है। पिटी का मतलब होता है नागर्ण, सीरियस का मतलब होता है अहम, अहम कहते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं अहम, अहम मतलब जो होता है महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं, किसी चीज को सीरियस लेना, उसको महत्वपूर्ण ढंग से समझना, अहम देना उसको, ठीक है। अहम का मतलब घमंड से नहीं है यहां पर, अहम का मतलब है किसी चीज को ज्यादा तवज्जो देना, ठीक है। अब यहां पर YEL, जो YEL शब्द का यूज किया जा रहा है, इसका मतलब होता है चीखना, ईल का मतलब होता है चीखना, ठीक है। YEL जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है चीखना, और चीखने शब्द के साथ जो शब्द यूज होगा वो होगा विस्पर, WHISPER, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, क्या होता है फुसफुसाना, ठीक है। तो यहां पर जो है पिटी शब्द के लिए अगर हम सीरियस शब्द का यूज कर रहे हैं, नागर्ण के लिए हम अहम शब्द का यूज दे रहे हैं, तो YEL के लिए हम यहां पर विस्पर शब्द का यूज करेंगे जो है फुसफुसाना। और ये देखो ये एक दूसरे का विपरीत भी है, ये एक दूसरे का बच्चों विपरीत भी है, जिस प्रकार से चीखना और फुसफुसाना एक दूसरे का विपरीत है। नागर्ण मतलब किसी को बिल्कुल तवज्जो ना देना और किसी को ज्यादा तवज्जो देना, यहां पर नागर्ण का मतलब हुआ किसी को कोई भूमिका ना होना या तवज्जो ना देना, और अहम का मतलब तवज्जो देना, तो ये दोनों एक दूसरे का विपरीत हुआ, चीखना और फुसफुसाना भी एक दूसरे का क्या हो गया, विपरीत ही हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ए बनेगा। देखो बच्चों अगर शब्द का अर्थ नहीं पता है तो उसको आप जरूर नोट करते जाइएगा, हम इसलिए, हमें मालूम है कि बच्चा इसको उससे दूर देख करके भागेगा, लेकिन हम फिर भी पढ़ा रहे हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि हमें मालूम है कि होने क्या वाला है एग्जाम में, टीचर को पता होता है, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील को सब कुछ पता होता है कि क्या होगा आपके साथ, अगर उनको आपकी जानकारी है अपनी फील्ड के बारे में तो उसको पता है कि एग्जाम में होगा क्या, और एग्जाम में होगा क्या वो अगर उस चीज को समझा रहा है तो आपको समझना चाहिए, चाहे ना भी मन हो तो भी समझिए, क्यों, क्योंकि तो आपके एग्जाम में वो फंसेगा और ये पता है, और जब फंसेगा तो पेपर में अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर आपको अगेन टाइम फिर पढ़ना पड़ेगा, और एक ही बार में पढ़ करके अगर काम चल जाए तो वो ज्यादा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर रखा है बच्चों, जल्दी से आप इस क्वेश्चन के लिए देख सकते हो और बता सकते हो कि आंसर क्या होगा, जो इस समय क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, MEND, मेंड, मेंड का लिए है पैच, और यहां पर दिया गया है बेंड के लिए क्या होगा, बेंड मतलब मुड़ना, आप देखो बेंड का हम लोग मालूम होगा, बेंड मतलब होता है मोड़ना, और बेंड के लिए जो शब्द यूज होता है वो मोल्ड, डायरेक्शन, क्रिएट और ट्विस्ट, देख सकते हैं, बता सकते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखो बच्चों MEND, मेंड, मेंड का मतलब होता है मरम्मत, क्या होता है मरम्मत, याद रखिएगा मेंड मतलब होता है मरम्मत, और पैच का मतलब भी मरम्मत ही होता है, पैच का भी मतलब होता है मरम्मत, आप जो यूज करते हो ना जब आप अपनी गाड़ी या बाइक का सर्विस कराने जाते हो तो वहां पर आप एक ऑयल जो इंजन में डाला जाता है उस इंजन की ऑयल के जो डब्बे में आप पढ़िएगा ये पैच शब्द लिखा होगा, मतलब ये जो ऑयल हम लोग यूज करते हैं वो मरम्मत के लिए यूज होता है, आपने शायद पढ़ा नहीं होगा डब्बे को, लेकिन आपकी बार जाइएगा तो जरूर पढ़िएगा, उसमें ये पैच शब्द लिखा होगा, पैच वर्ड लिखा होगा, और पैच का मतलब होता है मरम्मत, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसके आगे बोलते हैं बेंड, बेंड का मतलब होता है मोड़, क्या होता है मोड़, अब देखो यहां पर आप देखो ये दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के पर्याय है, साइनोनिम्स है, समानार्थी शब्द है, तो बेंड
मोर शब्द के लिए यहां पर जो यूज होगा वो ट्विस्ट होगा, और ट्विस्ट को भी हम लोग मोर ही कहते हैं, नहीं कहते मूवी में बड़ा अच्छा ट्विस्ट आया है, ट्विस्ट आया सीरियस सीरियल में बड़ा ट्विस्ट आया, ट्विस्ट का मतलब क्या होता है, एक मोर आना, मोर आना। तो यहां पर ट्विस्ट शब्द ही इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा, जो कि डी ऑप्शन में हम लोगों को दिया गया है, इसलिए इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बच्चा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक है, जिनको देखो जिनको नहीं पता है शब्दों का अर्थ, तो हम बोल रहे हैं कि वो नोट करते जाएंगे, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हर क्लास में पर डे हम 30 से 35 या 40 क्वेश्चन करा रहे हैं, और इस समय तो आपके पास कोई दूसरा काम है ही नहीं, क्योंकि कोचिंगें बंद हैं, आपको घर के अंदर ही रखना, और इस समय घर के अंदर रहना सबसे सुरक्षित है, बाहर जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप सुरक्षित होंगे तो ही आप आगे चल करके कुछ कर पाएंगे। इसलिए घर पे रहते हुए आप इन 30 से 35 क्वेश्चन की स्पेलिंग को दिन भर में याद कर सकते हो, और ये आपको कई जगह मदद करने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, 87वें क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहां लिखा फिशेस के लिए एक्वेरियम शब्द का यूज होता है, तो वर्ल्ड शब्द के लिए क्या यूज होगा। अब देखो ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कल हमने एक कराया था, इसमें समुद्र शब्द का यूज आया था, वहां पर समुद्र शब्द के लिए हमने बताया था कि हम लोग एक्वेरियम शब्द का यूज करते हैं, है ना। एक्वेरियम का मतलब होता है जहां पर जंगली जीव जंतुओं को रखा जाता है ना। तो यहां पर फिशेस के लिए एक्वेरियम शब्द का यूज किया जा रहा है, तो वर्ड्स के लिए किस शब्द का यूज होगा। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए मोल्ड नहीं हो सकता, नहीं भैया अमित सिंह जी मोल्ड नहीं हो सकता। चलिए देखिए इस क्वेश्चन के लिए आप आंसर दे सकते हैं कि यहां पर फिशेस शब्द वर्ल्ड के लिए क्या यूज होगा। यहां पर वर्ल्ड शब्द के लिए एवरी एवेरी जो दिया गया वो लगाएंगे हम लोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल बच्चे ने कुछ ने आंसर दिया है, यहां पर जो ये दिया गया है शब्द, यहां पर पक्षियों को रखा जाता है ना, तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। अनूप यादव जी ने सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं, 88वें की तरफ। द कल दिखा हुआ है, द कोल्सियम दिया गया है, इसका लिए इटली शब्द का यूज हुआ है, तो पैट्रा शब्द के लिए पूछा जा रहा है क्या होगा। सर ए होगा, बिल्कुल अनूप यादव जी। द कोल्सियम के लिए इटली, द कोल्सियम के लिए इटली शब्द का यूज हो रहा है, तो पैट्रा। देखो द कोल्सियम जो लिखा हुआ है इसको बच्चों आप गूगल करिएगा, इसको क्या करिएगा गूगल, तो ये गूगल जब आप करोगे तो ये एक इमारत है जो है, जैसे अपने यहां पर कुतुब मीनार है, जैसे अपने यहां कुतुब मीनार है, लाल किला है, ताजमहल है, ये हम लोगों की जो है ऐतिहासिक इमारत है। कैसी इमारत है, ऐतिहासिक इमारतें हैं। उसी प्रकार से द कोल्सियम जो यहां पर यूज किया जा रहा है, ये द कोल्सियम जो है ये इटली की एक ऐतिहासिक इमारत का नाम है। उसी प्रकार से पैट्रा शब्द जो यूज हो रहा है ये भी एक ऐतिहासिक इमारत है, और ये ऐतिहासिक इमारत जो है वो जॉर्डन में है, JORDAN जॉर्डन शहर है, वहां पर ये पैट्रा नाम की एक इमारत यूज की जाती वहां पर है। तो इसलिए आप याद रखिएगा द कोल्सियम जो लिखा हुआ है ये एक धार जो है एक ऐतिहासिक इमारत है जो इटली में पाई जाती है, और पैट्रा भी एक धार्मिक जो है सॉरी ऐतिहासिक जो है इमारत है जो कि जॉर्डन में है। इसलिए आप याद रखिएगा कि पैट्रा जो है वो जॉर्डन से रिलेटेड ऐतिहासिक इमारत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा आपका पैट्रा, जॉर्डन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है कि भरतनाट्यम का संबंध यदि तमिलनाडु से है तो कुचिपुड़ी शब्द का यूज किसके लिए होगा। चलिए बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर मेरे बच्चे देंगे, जल्दी से बच्चे इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर देने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसका अर्थ आपको पता है, इसका अर्थ आपको पता है, एग्जाम में अगर आ भी जाएगा ना तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ये हमको पता है कि इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए भाई जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर दो भाई, इस क्वेश्चन के लिए कि अगर भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है तो कुचिपुड़ी किससे रिलेटेड है, जल्दी से आंसर दे दो भाई इस क्वेश्चन नंबर 89 के लिए, 89वें क्वेश्चन के लिए। बी आंसर बच्चा दे रहा उड़ीसा दे रहा, देखो इसमें भी कंफ्यूजन है, इसमें भी कंफ्यूजन है। बी आंसर देखो बच्चे दे रहे, यहां पर
प्रिया सोनी बी दे रहे हैं, ऋषि कुमार जी बी दे रहे हैं, प्रियांश कुमार जी दे रहे हैं बी सी आंसर, प्रियांशी साहू ने सी आंसर दिया है। इन बच्चों ने सी आंसर दिया है, प्रियांशी साहू ने और प्रवेश कुमार, पंकज पाल देखो बी दे रहे हैं। देखो इनको ये भी नहीं पता है कि कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। देखो भाई इस क्वेश्चन में भी अगर दिक्कत है तो आपकी जीएस तो बहुत ही जो है पुअर है, कमजोर है, और आपको जीएस पर फोकस करना पड़ेगा। भाई कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, इस प्रकार से भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। तो यहां पर अगर प्रॉब्लम है तो भाई बहुत गलत बात है। भाई सभी लोग ध्यान से समझते हुए चले, क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। 90वां क्वेश्चन, इधर के लिए अगर ब्लंडर शब्द का यूज हो रहा है तो एक्सीलेंट के लिए किस शब्द का यूज होगा? चलिए भाई इस क्वेश्चन के लिए बच्चों आंसर्स दीजिए। इधर का मतलब आपको पता होगा गलती, इधर इधर का मतलब तो आपको पता ही होगा ना गलती। ब्लंडर का मतलब क्या होता है? बी एल यू एन डी आर, ब्लंडर। एक्सीलेंट का मतलब आपको पता होगा श्रेष्ठ होता है। देखो इरर, ई डबल आर ओ आर, इरर का मतलब होता है गलती। ब्लंडर, बी एल यू एन डी ई आर, ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी भूल, इसका मतलब होता है बड़ी भूल। नहीं पता है तो नोट जरूर कर लीजिएगा, इसका मतलब होता है बड़ी भूल। अब देखो यहां पर एक्सीलेंट शब्द का यूज किया जा रहा है, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट का मतलब होता है श्रेष्ठ, क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। तो देखो ये गलती और बड़ी भूल जो है वो एक दूसरे से संबंधित है, मतलब एक दूसरे के पर्याय कह सकते हैं, पर्यायवाची हम लोग कह सकते हैं इन दोनों को। देखो यहां प्रमोद कुमार जी ए दे रहे हैं, प्रदीप कुमार डी, सालनी यादव ए, अमित सिंह जी डे, समृद्धि वाजपेयी जी सी दे रहे हैं, अनूप यादव डी, मोहिनी साहू सी, प्रदीप कुमार सी। देखो कुछ बच्चे सी और डी दे रहे हैं। देखो भाई यहां पर एक्सीलेंट के लिए हम लोगों को पता है श्रेष्ठ होता है, और इसी से रिलेटेड एक्सेल तो होगा नहीं, एक्सेप्टेबल तो होगा नहीं, अनसैटिस्फैक्टरी तो होगा नहीं, स्प्लेंडेड जो दिया गया है एसपी एल ई एन डी आई डी, स्प्लेंडेड का मतलब भी श्रेष्ठ ही होता है, क्या होता है? श्रेष्ठ ही होता है। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा। कुछ बच्चों ने दिया भी है डी आंसर, इसका मतलब उनको पता था, जैसे प्रदीप कुमार जी ने दिया था, यहां पर प्रदीप कुमार जी ने डी दिया, अमित सिंह जी ने डी दिया और अनूप यादव जी ने डी दिया, तो कुछ बच्चों का इसका अर्थ पता था, उन्होंने दे दिया। स्प्लेंडेड का मतलब भी जो होता है वो श्रेष्ठ ही होता है, याद रखिएगा। नहीं पता है तो नोट जरूर कर लीजिएगा, पीडीएफ क्लास के बाद आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं, 51वें क्वेश्चन की तरफ। नेस्टीएफ, नेस्ट से शब्द का यूज वर्ड्स के लिए होता है, तो लॉयन के लिए किस शब्द का यूज होगा? चलो ये भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, लेकिन हमें यहां पर इस बार भी हम सभी के कमेंट्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम ये देखने वाले हैं कि इस 91 के लिए आप लोगों में क्या आंसर देने वाले हैं आप सभी लोग। चलो भाई देखते हैं 91 का बच्चा आंसर क्या मिलने वाला है आपको, 51वें क्वेश्चन का आंसर क्या मिलने वाला है। जल्दी से बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आंसर सबमिट कर सकते हैं आप सभी बच्चे मेरे, जल्दी से बच्चों आंसर सबमिट करिए। नेक्स्ट शब्द का मतलब वर्ड से है, तो लॉयन के लिए क्या है? डी, मिस्टर आनंद शुक्ला डी दे रहे हैं। देखो यहां पर मिस्टर आनंद शुक्ला डी, अंजलि देवी डी, प्रिया सोनी ने सी दिया है, प्रदीप कुमार डी दे रहे हैं, प्रमोद कुमार डेन दे रहे हैं, मिस्टर आनंद शुक्ला डी, पंकज पाल सी, प्रियांशी साहू ने डेन दिया है। देखो यहां पर सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, डेन मतलब होता है गुफा, डी ई एन डेन। देखो वर्ड नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, और घोंसला शब्द यूज किसके लिए होता है? वर्ड्स के लिए होता है, पक्षियों के लिए होता है। तो लॉयन मतलब शेर होता है, और शेर कहां रहते हैं? गुफाओं में रहते हैं, और गुफाओं को इंग्लिश में डेन कहते हैं, डी ई एन। इसका सही आंसर डी ऑप्शन था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, विस्की के लिए यूज हो रहा है डिस्टिलरी, तो ब्रेड के लिए क्या होगा? देखो विस्की के लिए जो डिस्टिलरी शब्द का यूज हो रहा है, डिस्टिलरी का मतलब होता है, डिस्टिलरी का मतलब होता है बच्चा जहां पर विस्की का निर्माण किया जाता है। डिस्टिलरी का मतलब होता है जहां पर विस्की का या शराब का निर्माण किया जाता है। विस्की को हिंदी में क्या कहते हैं? शराब कहते हैं। तो जहां पर शराब का निर्माण होता है उस जगह को डिस्टिलरी कहते हैं, तो जहां ब्रेड का निर्माण होता है उस जगह को बेकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकरी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए सी आंसर राइट होगा,
क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। चलिए 93 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। ये रहा प्रोड्यूस के लिए वेस्ट शब्द का यूज हो रहा है, तो कंट्रास्ट शब्द के लिए किस शब्द का यूज होगा? चलो भाई जल्दी से आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। सर मेरा नेट नहीं चल रहा है, तो भाई प्रवेश कुमार जी देख लो। प्रोड्यूस, पी आर ओ डी यू एस ई, प्रोड्यूस के लिए यहां पर यूज हो रहा है वेस्ट, डब्ल्यू ए एस टी ई, वेस्ट, वेस्ट शब्द का यूज हो रहा है, तो कंट्रास्ट के लिए किस शब्द का यूज होगा? कंट्रास्ट का मतलब बहुत पता है ना, अलग। कंट्रास्ट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कंट्रास्ट नहीं बोलते, कंट्रास्ट कपड़े पहने हो, तुम बिल्कुल अलग कपड़े पहने हो, तो कंट्रास्ट का मतलब होता है अलग। कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, अलग या फर्क, अलग और फर्क भी कह सकते हैं, फर्क करना, कंट्रास्ट का मतलब फर्क करना भी कह सकते हैं, अलग भी कह सकते हैं। प्रोड्यूस का मतलब होता है निर्माण करना, किसी चीज को बनाना, है ना, निर्माण करना, निर्माण करना प्रोड्यूस। और वेस्ट का मतलब क्या होता है, बर्बाद करना, वेस्ट का मतलब क्या होता है, बर्बाद करना। तो देखो यहां पर बर्बाद करना और निर्माण करना, तो ये एक दूसरे का तो विपरीत हो गया, ये एक दूसरे का क्या हो गया, विपरीत हो गया। तो कंट्रास्ट का, फर्क करने का विपरीत क्या होगा, समान। भाई यहां पर ये फर्क बता रहा है, अलग बता रहा है, और अलग का विपरीत क्या होगा, सेम। और सेम को हम लोग क्या कह सकते हैं, मैच, मैच मतलब, मैच जो लिखा हुआ है, मैच का मतलब क्या होगा, एक जैसा ही या समान दिखना, एक समान दिखना, इसको क्या लिख सकते हैं, समान दिखना। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मैच या फिर समान दिखना, ऑप्शन नंबर जो है वो बी क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बनेगा। आई होप आपको क्लियर जरूर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ, 94वें क्वेश्चन की तरफ। जी आर ए एम, ग्रैम, और इसके लिए ग्रेन दिया गया है, तो पाउंड के लिए क्या होगा? देखो जी आर ए एम, इसका मतलब क्या होता है, जी आर ए एम का मतलब होता है चना, चना सब जो आप चना देखते हैं ना, चना, तो उसको इंग्लिश में जी आर ए एम, ग्रैम कहते हैं, और ग्रेन का मतलब होता है अनाज। तो देखो चना क्या है, एक प्रकार का क्या है बच्चा, अनाज है। तो यहां पर पाउंड, पाउंड का मतलब, यहां पर पाउंड शब्द का यूज वेट के लिए, जैसे किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, है ना, वैसे पाउंड भी एक प्रकार की इकाई है हमारे वजन की, किसकी इकाई है, वजन की, और वजन मतलब वेट, और वेट कहां दिया गया है, बी ऑप्शन पे है, तो इसलिए इस 94 क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। देखो यहां पर जी आर एम, ग्रैम, जैम का मतलब हो जाएगा आपका अंचना, और ग्रेन मतलब क्या होगा, अनाज, पाउंड मतलब क्या होगा, हम लोगों की वजन की एक इकाई है, और ये वजन का मतलब वेट से है, तो वेट कहां दिया गया है, बी ऑप्शंस पे है, तो बी इसका सही आंसर बनेगा। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर बच्चे भाई, प्रदीप कुमार जी, पंकज पाल, सालनी यादव, प्रियांशी साहू, मिस्टर आनंद शुक्ला, शिवानी यादव और मिस्टर आनंद शुक्ला, इन सभी बच्चों ने बी आंसर सबमिट किया है हमें। चलिए 95 आ चुका है, एफ डबल ओ टी, फूट के लिए टॉय शब्द का यूज हो रहा है, तो हैंड शब्द के लिए किसका यूज होगा? देखो बिल्कुल इसी से संबंधित एक अभी हम लोगों ने हिप लगाया था आंसर, याद करो हिप, जहां पर हमने, वहां पर हम लोगों ने शोल्डर शब्द का यूज किया था, निक शब्द का यूज हुआ था, घुटने शब्द का यूज हुआ था, तो वहां से उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। फूट ट्वाइस, देखो एफ डबल ओ टी, फूट का मतलब क्या होता है, पैर होता है, क्या होता है, पैर, एफ डबल ओ टी, फूट मतलब क्या होता है, पैर होता है, और जो यहां पर दिया गया ट्वाइस, ये ट्वाइस मतलब क्या होता है, अंगूठा, क्या होता है, अंगूठा होता है, क्या होता है, अंगूठा। अब हैंड के लिए यहां पर एच ए एन डी, हैंड मतलब क्या होता है, आपको पता होगा हाथ, और हाथ के लिए क्या होगा, फिंगर, हाथ के लिए क्या होगा, फिंगर, फिंगर्स दिया गया है ऑप्शन नंबर सी पर, तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिंगर वो खाने वाले फिंगर नहीं है, उंगलियों की बात हो रही, क्योंकि दिमाग आपका खाने पर जरूर जाएगा, तो यहां पर फूट के लिए ट्वाइस है, तो हैंड के लिए क्या होगा, फिंगर शब्द का यूज होगा, और फिंगर हम लोगों को सी ऑप्शन पे दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर सी बनेगा, सी आंसर। देखो भाई फिंगर वाले बच्चे ध्यान से देख लें, सी इसका सही आंसर बनेगा। ट्वाइस मतलब होता है पैर की उंगलियां या पैर का अंगूठा भी कह सकते हैं, ठीक है। ए होगा थंब नहीं होगा, ट्वाइस के लिए हम बोल रहा है कोई बच्चा, कौन कह रहा है, मिस्टर आनंद शुक्ला, कौन कह रहा था भाई,
बी मिस्टर अनिल शुक्ला कह रहे हैं ए होना चाहिए हैंड के लिए थंब। देखो यहां पर देखो भैया भैया आनंद शुक्ला जी, आपकी जो बात है वो बिल्कुल हम कह रहे हैं थंब नहीं होगा सर। बिल्कुल देखो यहां पर इसलिए देखो, क्योंकि अगर टी ओ आई टी ओ ई होता, देखो टी ओ ई होता तो टी ओ ई के लिए होता है अंगूठा, ये होगा पैरों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां है ना, पैरों की उंगलियां। अगर हम देखें यहां पर बच्चा, तो यहां पर पैरों की उंगलियां होगा ट्वाइस का मतलब क्यों होगा, देखो टी ओ ई ट्वाय मतलब होता है अंगूठा, ट्वाय मतलब होता है अंगूठा, लेकिन अगर ई एस लगा देंगे ना इसमें तो ये पैरों की उंगलियों में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए फिंगर्स ही इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है बच्चा, ए ऑप्शन होना चाहिए। नहीं भैया आनंद शुक्ला जी, पाल्म, पाल्म क्यों नहीं होगा, पाल्म का मतलब होता है हथेली, पाल्म का मतलब होता है बच्चा हथेली, तो हथेली तो होगा नहीं, हथेली तो होगा नहीं प्रदीप कुमार जी, इसलिए पाल्म नहीं है। ठीक है चलो अगला नंबर देखते हैं, 96 नंबर, 96वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। एवरेस्ट के लिए पीक शब्द का यूज हो रहा है, तो कह रहा है कि नेक्स्ट ऑप्शंस जो दिए गए उनमें से कौन सा शब्द किसके लिए होगा, ए ऑप्शन होना चाहिए। मिस्टर अनिल शुक्ला जी बता दिया आपकी बात को, ओके भैया बिल्कुल अनिल शुक्ला जी, ट्वाय होता तो वहां पर थंब लग जाता, लेकिन वहां ट्वाइस है तो पैरों के अंगूठे, आप डालिएगा भाई सर्च मारिएगा डिक्शनरी में ट्वाइस का मतलब क्या होता है, तो वहां पर आपको पैरों की उंगलियां ही मिलेंगे। चलो भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एवरेस्ट के लिए अगर पीक शब्द का यूज हो रहा है तो यहां पर यमुना के लिए रिवर, चिल्का के लिए लैक, स्पैरो के लिए वर्ड एंड जुपिटर के लिए प्लैनेट, जुपिटर मींस बृहस्पति ग्रह। बी आंसर दे रहे हैं अमित सिंह जी इस क्वेश्चन के लिए, ज्यादातर बच्चा बी आंसर दे रहा है यहां पर, ज्यादातर बच्चा इस क्वेश्चन के लिए बी आंसर सबमिट कर रहा है, तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर अपने भेजते रहे भाई, तेजी तेजी से, तेजी तेजी बच्चा आंसर जो है वो सबमिट करते रहे अपने सभी बच्चे। देखो तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो जो बी आंसर आप लोग दे रहे थे, चिल्का झील क्या सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है पूरे वर्ल्ड में। देखो तो ये जो केवल अपने देश की बात नहीं हो रही भाई, देखो तो यहां पर एवरेस्ट एंड पीक, एवरेस्ट जो है वो सबसे बड़ी चोटी है विश्व की, देखो यहां वर्ल्ड की बात हो रही है, एवरेस्ट से बड़ा पर्वत पूरे वर्ल्ड में नहीं है जिसकी चोटी सबसे ऊंची है एवरेस्ट की पीक, तो ये वर्ल्ड की बात हो गई, वर्ल्ड से रिलेटेड हो गई। अब चिल्का जो झील है ये को एक देश से रिलेटेड है, हो सकता है उससे भी बड़ी झील किसी दूसरे देश में हो, पूरे वर्ल्ड में चिल्का झील से भी बड़ी झील होगी, होगी कि नहीं होगी, तो इसलिए एवरेस्ट में जो पीक शब्द का यूज हो रहा है वो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी के रूप में एवरेस्ट को जाना जाता है। उसी प्रकार से ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह के रूप में जुपिटर या बृहस्पति ग्रह को जाना जाता है, इसलिए बच्चा इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शंस आप टिक करिएगा, अगर ये क्वेश्चन पेपर में बन जाए आप बी ऑप्शंस को टिक मत करिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन से गलत हो जाएगा। हाँ अगर केवल इंडिया की बात करें, पर्टिकुलर किसी एक कंट्री की बात करें, तो आप वहां पर चिल्का के लिए लैक लगा सकते हो, बट अगर वर्ल्ड की बात कर रहा है, विश्व की बात कर रहा है, तो वहां पर हम जुपिटर और प्लैनेट को ही टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, एम ओ टी एच, मौत के लिए, मौत के लिए इंसेक्ट्स हैं तो माउस के लिए क्या होगा। चलो भाई जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए बच्चा जल्दी से आंसर सबमिट कर दीजिए भाई, सभी बच्चे जल्दी से, एम ओ टी एच के लिए इंसेक्ट्स हैं तो माउस के लिए क्या होगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होगा। देखो हम यहां पर देखना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का अर्थ आपको पता है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में इसके साथ बहुत खेला है, जो यहां पर एक वर्ड यूज करने वाले हैं, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स लिखा है केवल एस नहीं है, और यहां पर माउस है एम ओ यू एस ई, और यहां पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है तो चलो बच्चों जल्दी से आंसर दे सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। देखो बच्चा हमने क्या कहा कि बचपन में हम लोगों ने इसके साथ बहुत खेला, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तितली, क्या कहते हैं तितली, देखो कितना सरल शब्द है तितली, लेकिन इंग्लिश में कितना खतरनाक है, मौत, मौत,
अब हमको पता ही नहीं है ना, पेपर में आ जाएगा तो ये इतना सरल शब्द इंग्लिश में लिख दिया गया और हमें नहीं मालूम है तो मुंह बा देंगे हम वहां पेपर में, मुंह बा के चले जाएंगे, वो गलत करके चले जाएंगे। तो तितली है MOTH का मतलब, और तितली क्या है, एक प्रकार का कीड़ा है, इसको हम लोग कीड़ा कहते हैं। इंसेक्ट मतलब क्या होता है, कीड़ा है। तो देखो भाई, माउस का मतलब तो हम लोगों को पता है, चूहा है। माउस का मतलब क्या होता है, चूहा होता है। और चूहा क्या होता है, चूहा होता है रोडेंट। रोडेंट उसको हम रोडेंट के अंतर्गत रखते हैं। रोडेंट का मतलब होता है कृतंक प्राणी, मतलब जो दांतों से चीजों को काटता है, इसलिए इसको कृतंक प्राणी कहा जाता है। रोडेंट होता है माउस, तो माउस के लिए रोडेंट या कृतंक प्राणी शब्द का यूज किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा। अब देखो, कुछ बच्चा रैट दे रहा है, तो रैट तो चूहे का ही साइनोनिम्स हो जाएगा, जबकि ये मॉथ और इंसेक्ट्स जो है वो तितली के ग्रुप को प्रदर्शित कर रहा है। इंसेक्ट्स जो है, चूहा जो कीड़ा है, वो तितली के ग्रुप को बता रहा है, जिससे तितली किस ग्रुप के अंतर्गत है। जैसे चमगादड़ जो है वो स्तनपाई है ना, वो क्या है, स्तनपाई है। व्हेल मछली क्या है, स्तनपाई। हम लोग क्या है, स्तनपाई। तो ये हमारा एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, तो हम इस अपने ग्रुप को बताते। तो यहां पर तितली का ग्रुप क्या है, इंसेक्ट्स है, तो चूहों का ग्रुप क्या है, कृतक प्राणी या रोडेंट है। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए 98 की तरफ बढ़ते हैं, 98वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए साइट है, तो स्पीच के लिए क्या होगा। देखो, साइट का मतलब होता है दृष्टि, SIGHT जो साइट शब्द का यूज किया जा रहा है, इसका मतलब होता है दृष्टि। और नाइट ब्लाइंडनेस को हम लोग कहते हैं रतौंधी। क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं। तो रतौंधी में, रतौंधी किससे संबंधित है, दृष्टि से संबंधित है। किससे संबंधित है, दृष्टि से संबंधित है। स्पीच का मतलब क्या होता है, भाषण। और भाषण किससे संबंधित है, देखो नाइट ब्लाइंडनेस और दृष्टि, दिखना और ना दिखना, ये एक दूसरे का विपरीत हुआ भाई। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ना दिखना, और साइट मतलब क्या होता है, दृष्टि या दिखना। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, विपरीत हुए। स्पीच का मतलब क्या होता है, भाषण देना, और भाषण का विपरीत क्या होगा, कि ना देना, मतलब सही ढंग से ना दे पाना। और इसके लिए हम लोग यहां पर स्टैटर शब्द का यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है जो है रुक रुक करके बोलना। STUTTER, STUTTER, इस शब्द का मतलब होता है रुक रुक कर बोलना, जिसको हम लोग नहीं कहते, हकलाता है बच्चा, बच्चा हकलाता है। तो रुक रुक कर बोलने को हम लोग कहते हैं STUTTER, स्टटर, है ना। इसका मतलब होता है रुक रुक के बोलना। मेरे बच्चों ने सही आंसर दिया है। चलिए 99 की तरफ बढ़ते हैं, 99वें क्वेश्चन की तरफ। सर्कुमेंट के लिए बाईपास है, तो कॉम्प्रेंसिबल के लिए क्या होगा, चलिए बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिए, यहां पर सर्कुमेंट के लिए बाईपास है, बाईपास शब्द का यूज हो रहा है, तो भाई यहां पर जो है कॉम्प्रेंसिबल के लिए शब्द का यूज, कौन शब्द का यूज होगा, देखो यहां पर सर्कुमेंट का मतलब बाईपास जानते हो ना, बर्रा बाईपास तो देखा ही होगा, नवस्ता बाईपास। तो बाईपास शब्द का यूज किस लिए होता है, बाईपास शब्द किसके लिए यूज होता है, आपको पता है, बाईपास जो है, यहां पर बाईपास शब्द लिखा हुआ है, ये बाईपास चौराहों के बगल में जो हाईवे पर चौराहा पड़ते हैं उनके साथ, ये बाईपास शब्द का, उसमें बाईपास शब्द का यूज क्यों होता है। सर्कुमेंट के लिए जो यहां पर लिखा हुआ है SERCERCUMEMVENT, इसके लिए होता है बाहर बाहर निकलना, है ना, बाहर बाहर निकलना। मतलब कि जब हम लोग जो है बाहर किसी भी शहर से गुजरते हैं, और उस शहर से गुजरने से उस शहर के अंदर ना जाकर के अगर हम बाहर बाहर निकल जाते हैं, तो उसके लिए हम यहां पर सर्कुमेंट शब्द का यूज करते। और देखो यहां पर एक शब्द बाईपास यूज हुआ है, ये बाईपास शब्द का मतलब होता है, बाईपास ही लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं बचकर निकलना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बचकर निकलना। देखो बाहर बाहर निकलना और बचकर निकलना दोनों एक दूसरे से संबंधित है। बाहर बाहर निकलना और बचकर के निकलना, ये एक दूसरे से क्या होगा, संबंधित होगा। अब देखो यहां पर कॉम्प्रेंसिबल का शब्द का मतलब है समझने योग्य, कॉम्प्रेंसिबल, जो यहां पर कॉम्प्रेंसिबल शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है समझने योग्य। इसको हम लोग क्या कहते हैं,
समझने योग, कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है, समझने योग, और अंडरस्टैंडेबल का मतलब भी होता है समझने योग। देखो ये दोनों एक ही जैसे हैं ना, ये दोनों एक ही जैसे हैं, तो यहां पर कंप्रेसिबल के लिए जो यूज मतलब शब्द का यूज हुआ है समझने योग, और अंडरस्टैंडेबल जो दिया हुआ है उसका भी मतलब होगा समझने योग। तो इसके लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन बनेगा। चलिए 100 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 100वें क्वेश्चन की तरफ। अविलांश के लिए आई शब्द का यूज हो रहा है, तो वल्कानो के लिए किस शब्द का यूज होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस समय, जो 100 नंबर आप लोग देख रहे हो। 100वां क्वेश्चन जो इस समय आप लोग देख रहे हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इस समय आपके स्क्रीन पर है बच्चों। तो जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए आप आंसर दे सकते हो, बता सकते हो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा जो यहां पर इस समय आपके सामने आ चुका है। देखो यहां पर जो आप यहां पर एविलांश शब्द देख रहे हो, इस एविलांश का मतलब होता है हिमस्खलन। क्या होता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिमस्खलन। और हिमस्खलन कहां होती है? बर्फ में होती है। जो आइस लिखा हुआ है उसका मतलब है बर्फ, तो हिमस्खलन कहां होती है? बर्फ में होती है, आइस में होती है। तो वल्कानो का मतलब पता है क्या होता है? वल्कानो शब्द का मतलब होता है ज्वालामुखी। क्या मतलब होता है? ज्वालामुखी। जिसको नहीं पता वो नोट जरूर कर लेगा। और ज्वालामुखी से रिलेटेड क्या होता है? लावा होता है। क्या होता है? लावा। लावा जो कि ए ऑप्शन पे दिया गया। तो बच्चा इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन आपका राइट बनेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख सकते हैं कि हिमस्खलन जो है वो बर्फ से संबंधित है, तो ज्वालामुखी जो है वो लावा से संबंधित हो जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन बनेगा। चलिए 101 नंबर भी देख लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं टेरेस्ट्रियल के लिए एंड शब्द का यूज हुआ है, तो एम्फीबियंस के लिए किसका यूज होगा? तो यहां पर आप देख रहे हो ना, जो लिखा हुआ है टेरेस्ट्रियल्स जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है स्थलीय। इसका मतलब होता है स्थलीय, ठीक है। और जो लिखा हुआ है एंट्स मतलब चींटी। एंट्स मतलब क्या होता है? चींटी। तो चींटी क्या है? स्थलीय प्राणी है, है ना। और यहां पर जो लिखा हुआ है एम्फीबियंस जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है हिंदी में उभयचर। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? उभयचर। और उभयचर कौन होते हैं? कौन होते हैं? फ्रॉक्स होते हैं, मेढक होते हैं। एफ ओ आर जी एस, फ्रॉक्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मेढक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा मेढक। फ्रॉक्स ए ऑप्शन जो होगा, सी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों। चलिए अगला नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। आज की क्लास में हम लोग 105 नंबर तक क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहां पर यूएसए के लिए डॉलर, यूएसए से रिलेटेड क्या है? डॉलर। तो टर्की से रिलेटेड क्या? चलिए बताइए, टर्की, यूएसए की मुद्रा कौन है? डॉलर है। तो टर्की की मुद्रा क्या? अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, जो इस समय आप देख रहे हो 102 नंबर। भाई ये तो आसान आ गया, अभी तक तो कठिन कठिन चल रहा था, लेकिन यहां पर इसका आंसर आप सही बच्चों को देना चाहिए जो इस समय आप देख रहे हो। तो बच्चा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो जो इस समय आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और जल्दी से बता दो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा। सही बच्चे, मेरे सारे बच्चे जल्दी से आंसर दे दें इस क्वेश्चन के लिए। टर्की की मुद्रा कौन है? लीरा है, एल आई आर ए, लीरा। ऑप्शन नंबर थर्ड में जो आप देख रहे हैं, देखो यूएसए की मुद्रा कौन है? डॉलर है। तो टर्की की मुद्रा क्या है? लीरा है। 102 का सी ऑप्शन राइट होगा बिल्कुल। प्रियांशी साहू, मिस्टर आनंद शुक्ला, प्रदीप कुमार जी, समृद्धि वाजपेयी जी, मिस्टर आनंद शुक्ला, सभी बच्चे जितने लोग दे रहे हैं, इन सभी बच्चों को, सभी शिवता देवी सी आंसर दे रही है। चलिए 103 नंबर की तरफ बढ़ लेते हैं। टेनिस के लिए कोर्ट शब्द का यूज हो रहा है, तो बॉक्सिंग के लिए किस शब्द का यूज होगा? देखो ऐसे क्वेश्चंस कई बार पेपर में आए हैं, और हम लोगों की क्लास में ये क्वेश्चंस भी कई बार रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चंस भी कई बार रिपीट हो चुका है। इसी टाइप का क्वेश्चन जो कि खेलों से संबंधित था, और ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो चुका है। तो बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। बॉक्सिंग तो बच्चा रिंग पर खेली जाती है। कहां पर खेली जाती है? रिंग में, आर आई एन जी, रिंग। इस क्वेश्चन का सही, देखो पिच नहीं होगा, रिंग जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा।
टेनिस कोर्ट में खेल, टेनिस की जो गेम है वो कोर्ट में होता है, तो बॉक्सिंग रिंग में होती है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। कुक के लिए हैन है तो स्टेज के लिए क्या होगा? चलिए जल्दी से बताइए, कुक के लिए हैन शब्द का यूज हो रहा है तो स्टेज शब्द के लिए क्या होगा? है ना, कुक के लिए पता है मुर्गी, कुक मुर्गा और मुर्गी, कुक को क्या कहते हैं? COC के कुक को क्या कहते हैं? मुर्गा। और हैन को क्या कहते हैं? मुर्गी। अब देखो बच्चों मेरे, यहां पर STAG स्टेज, इसके लिए ये शब्द पता है स्टेज, STAG ये आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, इसको हिंदी में कहते हैं हिरण, हिरण। और जो इसका विपरीत होगा, मतलब क्योंकि यहां पर देख सकते हैं ये एक जो है पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है, तो हिरण पुल्लिंग हो गया और हिरण का जो स्त्रीलिंग होगा वो हिरनी होगा, और हिरनी किसको कहते हैं? हिंड को, HIND हिंड, हिंड मतलब होता है हिरनी, क्या होता है? हिरनी। तो यहां पर इस शब्द के लिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनेगा, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा हिरनी। ए नहीं, वैक्सीन नहीं होगा, हिंड होगा, हिंड का मतलब होता है हिरनी। चलिए 105 नंबर जो कि आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है बच्चा, आज की क्वेश्चन का अंतिम, वेस्ट बंगाल कोलकाता तो मेघालय के लिए क्या यूज होगा? जल्दी बताइए जल्दी, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वेस्ट बंगाल के लिए कोलकाता शब्द का यूज हो रहा है तो मेघालय शब्द के लिए किस शब्द का यूज होगा? जल्दी बताओ भाई मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर, वेट कर रहे हैं हम आपके आंसर का। ए प्रिया सोनी कह रही है, ए रॉन्ग हो गया, यहां पर प्रियांशी साहू ए कह रही है, ऋषि चौहान बी कह रहे हैं, पंकज पाल ए कह रहे हैं, प्रियांशी साहू ए कह रही है, प्रदीप कुमार ए दे रहे हैं, समृद्धि वाजपेयी ए, प्रिया सोनी शिलोंग, शालिनी यादव ए, प्रतिमा कुटीपाई सोनी ए, कविता देवी ए, मिस्टर आनंद शुक्ला बी, प्रदीप यादव, प्रदीप कुमार ए। तो भैया इस क्वेश्चन का सही आंसर ए है, शिलोंग। देखो वेस्ट बंगाल कोलकाता से संबंधित है, वेस्ट बंगाल जो है वो कोलकाता की से रिलेटेड है, तो मेघालय से रिलेटेड क्या है? शिलोंग है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो शिलोंग बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो बच्चों आज की क्लास के 105 क्वेश्चन कराने के बाद हमें ऐसा लगा है कि बच्चा जो है वो टफ से दूर भागता है, ये हमें मालूम चल रहा है। देखो उन बच्चों को चाहिए क्या, उसे आसान आसान पढ़ाओ तो बच्चा खुश रहता है, लेकिन हमने कई बार कोशिश की है कि ऐसी चीजों के बारे में बताने की जिससे कि उनके जो फ्यूचर जो आने वाला है, भविष्य जो आने वाला है वो अच्छे की तरफ बढ़े। उसके लिए अगर हमने सोचा कि थोड़ा सा अलग करें, अलग करने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि इस समय ये क्वेश्चंस आप देख रहे हो, ना ही कभी आप कभी भी किताब पलट करके इन क्वेश्चंस को देखते हो बच्चों, और ना ही कभी कोई आपको पढ़ाता, दोनों बातें सत्य है, एक कटु सत्य है कि ना ही कोई टीचर इन सब क्वेश्चंस को पढ़ाता है, और ना ही किसी कभी भी आप किताब पलट करके ऐसे क्वेश्चंस को, इस टॉपिक के क्वेश्चंस को आप पढ़ते हो। इसीलिए जब ये क्वेश्चन, और एग्जाम में आपको पता है कि 3 या 4 क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चों इनको हमने पढ़ा नहीं होता है, इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आ गया, समझ में आ गया तो हम तुक्का मार के चले आएंगे, और अगर समझ में नहीं आया तो हम छोड़ करके चले आएंगे, और हम सोचेंगे कि हटाओ, छोड़ देंगे, पास हो जाएंगे। पास नहीं हो पाओगे बच्चों, रीजनिंग में और मैथ टॉपिक में अगर आप क्वेश्चन को छोड़ोगे ना, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा आपके रिजल्ट के टाइम पर। देखो तो GS और हिंदी या इंग्लिश, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें बच्चा क्वेश्चन को छोड़ता है, 100% छोड़ता है, हर बच्चा छोड़ता है। लेकिन अगर आप मैथ और रीजनिंग में भी क्वेश्चन को छोड़ने लगोगे तो वहां पर आप समझ लो तो फिर तो आप सिलेक्शन से आउट होगे, बाहर होगे, कोई आपको सिलेक्शन नहीं करा सकता, ये बच्चा कट सकते हैं। इसलिए ये जो क्वेश्चन हम इसीलिए करा रहे हैं, और हमने ये किताब इसीलिए उठाई है क्योंकि तो इस किताब को जब हमने पढ़ा, स्वयं पढ़ के देखा, तो हमें लगा कि ये किताब बेस्ट बुक है, जितनी भी बुक मार्केट में आ रही है उन सभी बुकों से सबसे बेस्ट बुक है,
क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर बुक्स चैप्टर में बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा हैं, और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें बहुत ही अच्छे से एग्जाम तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए बच्चों इस बुक को हम करा रहे हैं, और हमने जैसा कि शुरुआत में बोला था कि बहुत ही जल्द यूथ पब्लिकेशन की मैथ्स की जो बुक है वो भी हम 10 बजे से सर के माध्यम से आपको कराएंगे, ठीक है। दूसरे सर पढ़ाएंगे मैथ के, और सारे क्वेश्चन जो होंगे वो पूरे के पूरे मैथ के क्वेश्चन एक एक करके वो भी आपको बताएंगे। 20 25 30 क्वेश्चन पर डे आपको वो बताएंगे, तो वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये मान लीजिए कि दो सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग आपकी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप एग्जाम में क्वेश्चंस को देख करके ही कह दो कि ये तो सर ने पढ़ाया था और ये पेपर में आया है। तो आप लोग रेडी रहिए मैथ के लिए भी, बहुत ही जल्द मैथ की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं क्योंकि बच्चा गुड नाइट बोलने लगा है, इसलिए आज के लिए बस यहीं तक। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।